नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। नया साल आने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। बीता हुआ जो साल था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय एक जैसा नहीं होता है, अच्छा और बुरा दोनों होता है। कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा वक्त भी बीता होगा और उनके साथ अच्छा वक्त भी बीता होगा। अब नया जो आने वाला नया साल है, उसमें क्या लोगों की उम्मीदें हैं, कैसे नया साल सेलिब्रेट करेंगे, चलिए जानते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। सर, नया साल आने में 2 दिन बचे हुए हैं, कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपना नया साल? सेलिब्रेट करना तो स्टार्ट कर चुके हैं। अभी हम IIT गांधीनगर से आए हैं इंटर IIT स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने, जहाँ हमने कई मेडल जीते हैं। और अभी हम आज रात को निकल रहे हैं और गरबे के साथ सेलिब्रेट करेंगे गांधीनगर में। अच्छा सर, बहुत बहुत आपको बधाई मेडल जीतने के लिए। थैंक यू मैम। सर, क्या उम्मीदें हैं, पिछले साल क्या उम्मीदें थी और जो आने वाले जो नया साल जो शुरू होने वाला है, उसमें क्या उम्मीदें हैं, कैसे शुरुआत की जाएगी? बिल्कुल, लास्ट ईयर हमने प्लान बनाया था कि हमें किसी भी हाल में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो हमने लास्ट ईयर अचीव भी करी थी। इस ईयर का प्लान है हमारा उसमें प्रमोशन लेने का, तो नेक्स्ट ईयर वो भी अचीव करेंगे। और उसके साथ साथ इस साल थोड़े कम मेडल जीते हैं, नेक्स्ट ईयर उससे भी ज़्यादा मेडल जीतेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? राकेश। अच्छा, इस बार आप न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? जैसे हर ईयर हम करते हैं, बेसिकली हम करते हैं कि हमने जो हमें खाना बिना बनाते हैं ना, एक्स्ट्रा खाना हमें एक्चुअली बनाते हैं। मैं एक्चुअली वेटनरी के इसमें काम करता हूँ एक्चुअली, जो ज़्यादा सर्जरीज होते हैं डॉग के, कैट के, वेट के, तो हम उधर हम हमारे डॉक्टर और बाकी सब मिलकर मेम्बर्स, मतलब नॉट ओनली 31st December ऑल डेज, मतलब जितना हमसे पॉसिबल होता है उतना एनिमल रिस्को विस्को करने के बाद हम उनको खाना खिलाना, मतलब जितना हमसे हो सके, जितना हम मतलब क्या बोलते हैं, उसके हम संभालते हैं, केयर करते हैं और बाद में उनको उसको अच्छे से ठीक होने के बाद हम उनसे फ्री कर लेते हैं वैसे। और अभी इस गरीब अभी इस 31st को हम गरीब लोगों को ना कुछ खाने के लिए या गिफ्ट ऐसा देने की सोच रहे हैं। और बाकी हम देखते हैं आगे, बाकी अगर मतलब अभी हमारा 40 लोगों का ग्रुप हो चुका है, अभी अगर और टीम बढ़ती है तो और कुछ ना कुछ हम डोनेट करने की सोच रहे हैं। मैडम, न्यू ईयर तो सेलिब्रेट करने के लिए खास कोई प्लानिंग नहीं है हमारी, लेकिन जैसे कि आज हम अपने स्कूल के बच्चों को लेके आए हैं, हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जो कम्युनिटी से कटे रहते हैं, उनको हम जोड़ने के लिए कि वो कम्युनिटी में क्या हो रहा है, समाज में कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज भी देखो 30 है तो लोग कैसे सेलिब्रेशन करने आए हैं, अपना न्यू ईयर पुराना साल है इसको छोड़ेंगे, नया साल आएगा तो कोई अच्छा अच्छा अचीवमेंट अपना गोल रखेंगे कि उसको हमें पाना है। इसी में हमने, मैं टीचर हूँ और इसी कड़ी में मैं इन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ लगातार, इनके लिए हमने बहुत सारे जो है प्रोग्राम चलाए हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, वहाँ पे हम इनको थेरेपी भी कराते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, स्पेशल एजुकेशन भी देते हैं, तो इसी कड़ी में हम आगे काम करते रहेंगे। तो मतलब आप इन प्यारे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर? बिल्कुल मैम, इनके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर पे, जैसे भी होगा ग्रुप में या फिर इनको पर्सनल फ़ोन करके हम करते, तो इन्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि कुछ लोग इनको कुछ नहीं समझते हैं, ये समझते हैं समाज का एक हिस्सा ही नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ हैं, हम इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं एक तरह से कम्युनिटी में। सर, अगर कोई ऐसा सोचता है कि समाज के हिस्सा नहीं है तो ये तो गलत बात है, उनकी सोच गलत है। हाँ, लोगों की थिंकिंग है, वही तो हमें चेंज करनी है, अवेयरनेस ही फैलानी है, बस उसी का हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप अपने काम में सफल होंगे। और सर, तो इन बच्चों के लिए आपने न्यू ईयर पर क्या प्लान किया है? न्यू ईयर पे तो मैम फर्स्ट ईयर से तो वैसे इनकी छुट्टियाँ होने वाली हैं 1 तारीख से 15 तक इनका जो है विंटर वैकेशन है, तो उससे पहले 30 को ही, कल ही हम इनका सेलिब्रेशन करेंगे, इनका एनुअल डे भी है, उसी दिन इनका पूरा सेलिब्रेशन होगा, डांस होगा बच्चों का और कल्चरल प्रोग्राम होंगे, ये बहुत सारा एंजॉय करेंगे बच्चे उसमें। एंजॉय करेंगे, एंजॉयमेंट का इन लोग के पूरा मतलब अच्छे से व्यवस्था कर लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कल। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार नए साल पे क्या प्लान बनाए हैं? मैम, जो हमारे जो बच्चे हैं, आज आज़ादी से पहले जो है आपने पता होगा कि जो हमारे समाज में जो शिक्षा थी उस पर बच्चों की तरफ जो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और ये जो हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनको आज हम एक अपने सरकारी स्कूल की तरफ से घुमाने के लिए लेके आए हैं, और हम चाहते हैं कि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को अवेयरनेस हो कि जो आज हम इंजॉय कर रहे हैं ये भी ऐसा इंजॉय करना सीखें। और सभी के लिए मतलब मैं ये कहूँगा कि ये जो अभी तक जो हमने COVID-19 से जो समय गुजारा है और जो अब कोविड जो बढ़ता आ रहा है, तो इस साल हम चाहेंगे कि मतलब जो है ऐसी कोई वो हमें देखने को ना मिले समस्या कि जो हमारे उसमें नुकसान रहे हमारे बच्चों को या हमारे उसके लिए, तो हम चाहते हैं कि बच्चे को मतलब जो है अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा अवेयरनेस करें। RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग जो है
पहले जो है इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है इनको जो स्कूलों में मतलब जो है इस तरह से मतलब जो है जोड़ा गया है कि सरकार ने इनके लिए जो है पहले दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, लेकिन अब इनके लिए जो है स्पेशल टीचर भी मतलब जो है स्कूलों में नियुक्त कर दिए हैं। और यही पर्पज़ है कि मतलब जो है कि जो आज जो बच्चा समाज में शिक्षा ले रहे हैं उस तरह से ये भी लें। चलिए बच्चों से जानते हैं कि वो अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करेंगे। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार। अच्छा, क्या प्लान है न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। फैमिली के साथ? अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 9th। 9th में तो क्या प्लान है उस दिन का, क्या प्लान है, कैसे क्या करेंगे? फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, सेलिब्रेट घूमने जाएंगे, फोटो वोटो लेंगे, पार्टी करेंगे। अच्छा, पार्टी में क्या करने वाले हैं? मैम वो तो वो बाद में पता चलेगा। यस मैम। अच्छा, और आपका नाम? मेरा नाम हर्ष कुमार राय। हर्ष कुमार, कौन सी क्लास में? 9th। 9th में ही हो। अच्छा, तुम कैसे अपना नया साल मनाओगे? दोस्तों के संग घूमने उमने जाके। अच्छा, फैमिली के साथ नहीं, दोस्तों के साथ जाओगे? फैमिली भी आएगी ना, दोस्तों में भी। अच्छा, फैमिली दोस्तों दोनों के साथ? हाँ। अच्छा, तुम्हारे सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरा हर्ष सिंह। तुम भी इसके साथ मनाओगे? हाँ। तुम भी इसी के साथ हो? हाँ। क्या और फैमिली के साथ क्या प्लान है? फैमिली के साथ क्या प्लान है? फैमिली के साथ रात में केक कटिंग करेंगे और 12 बजे तक फिर काउंट डाउन करके फिर सो जाएंगे फिर 12 बजे के बाद। अच्छा, तो 31st को ही, 31st की रात का प्लान है या 1 तारीख को? 31st की रात को। 31st की रात को। अच्छा, और अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने अपने अच्छे क्लास में प्रवेश करने के लिए क्या उम्मीदें हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ूँ और मैं ये विश करूँगा न्यू ईयर पे कि, और मैं ये शपथ भी लूंगा कि मैं अच्छे से पढ़ने की कोशिश पूरी करूंगा। अच्छा, क्या टारगेट है कि एग्जाम में कितना मार्क्स आए? एग्जाम में मेरे 80 से अप आए। 80 से अप? 90 से ऊपर क्यों नहीं? कोशिश पूरी रहेगी, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं है? है, लेकिन 80 से कम बिल्कुल नहीं आने दूंगा। अच्छा, 80 से कम बिल्कुल नहीं आने? हाँ, ऊपर जाओगे? हाँ। चलो, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और क्या नाम है आपका? पुलकित। अच्छा, नया साल कैसे मनाएंगे? मैं अपना एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लूंगा और एक अपने फैमिली के साथ एक पार्टी अरेंज करूंगा। पार्टी अरेंज करोगे? पार्टी में, पार्टी का क्या प्लान है, कैसे? मतलब सब घर के रहेंगे, छोटे बड़े सब रहेंगे। अच्छा, उसमें, उस पार्टी में क्या क्या होगा? पार्टी में बच्चे रहेंगे, सब सेलिब्रेट करेंगे, नाच गाना, खाना पीना सब सेलिब्रेट। और अपने भविष्य के लिए कैसे शुरुआत करोगे नए साल पर? भविष्य के लिए मैं 10th में अच्छे नंबर लाऊं, बोर्ड्स में अच्छे से पास हूं, सर का नाम रोशन करूं, अपने स्कूल का नाम रोशन करूं, इसीलिए मैं। फैमिली को भूल गए? फैमिली तो पहले आती है। तो उसी को तो भूल गए? नहीं, फैमिली तो हमेशा आगे रहती है। भाई क्लास मॉनिटर से कहाँ है भाई क्लास मॉनिटर? क्या नाम है भाई आपका? माय नेम इज यश सिंह। अच्छा, ये बच्चे सब कह रहे हैं कि आप मॉनिटर हैं क्लास के? यस यस। अच्छा, कैसे आप अपना नया साल मनाएंगे? मैं इस बार अपने नया साल दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, जैसे कि हमने प्लान किया है कि एक रूम में हम केक भी काटेंगे न्यू ईयर डे का। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ? यस सर। और फैमिली के साथ? फैमिली के साथ घर में सेलिब्रेट करेंगे, रात में कुछ बनाएंगे, घर पे होता है। अच्छा, घर पे ही बनाओगे? yes, बाहर से नहीं लाओगे? नो। अच्छा, ठीक है। और मतलब फिर भी क्या क्या प्लान है कि जो पिछला साल जो बीता है, अच्छा बुरा वक्त सबका होता है उसमें, तो बुरी चीज़ों को भूल करके नया शुरुआत कैसे करोगे? बुरी चीज़ों को भूल जाएंगे और जो हमारा आगे वाला फ्यूचर है उस पर हम फोकस करेंगे, आने वाले फ्यूचर। यस। तो क्या 10th में कितना मार्क्स लाना चाहोगे? 10th में मैं 90% की, 90% अबव की कोशिश करूंगा। 90%? यस। कहाँ गया वो 80% वाला, कहाँ गया भाई? ये देखिए, ये बच्चा 80 से अबव लाएगा और ये बच्चा 90 से अबव लाएगा। तुम भी 90 का सोचो ना, 80 तो अपने आप आ जाएगा, 80 अबव अपने आप आ जाएगा, 90 का सोचो ना कि 80 से कम नहीं आएंगे। हाँ, 90 सब भी आ सकते हैं। बहुत 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 बढ़िया और बेस्ट ऑफ लक। पहले तुमको भी बेस्ट ऑफ लक और सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और इन बच्चों के क्लास टीचर से भी मिलते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो कैसे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। सर, आपका नाम? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह, तो सर आप बताइए कि आपका क्या प्लान है इस बार न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करें? मेरे लिए तो रोजाना नया साल होता है, ये बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं चाहता हूँ कि इनके लिए मैं जितना कर सकूँ, इतना मेरे से हो सके इतना करने का मेरा विचार है। हाँ सर, क्योंकि के लिए इस धरती पे माँ बाप से भी पहले गुरु को माना जाता है। हाँ, मैं बिल्कुल ये इनको बताता भी हूँ कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमारे लिए भगवान या तो हमारे माँ बाप हैं या फिर गुरु हैं। इन बच्चों के लिए आप भगवान की तरह हैं। हाँ सर,
बच्चों के साथ कैसे प्लान बनाएं, क्या सेलिब्रेट करेंगे? इनको अच्छा ही देना है, जो भी कुछ देना है इनको, रोजाना नया ज्ञान देना है, इनका भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। मेरा बस नया साल का यही प्लान है। बिल्कुल सर, ऐसा होगा भी। और सर, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ाते हैं, बहुत, तो बहुत ही बढ़िया, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, भले इसमें कम, मेरे भी बहुत कम मार्क्स आते थे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। लेकिन और सर फिर अच्छा, क्लास में तो दो तरह के बच्चे होते हैं, कमज़ोर होता है, एक पढ़ने में बहुत तेज़ होता है, तो आप सर सबको हैंडल कैसे करते हैं? नॉर्मल सी चीज़ है मेरे लिए तो। बच्चे सब आपको मानते हैं? बच्चे से पूछो आप ये चीज़। बच्चे खुद ही तारीफ कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे बच्चे, सर को बहुत मानते हैं। सर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ सही में, पिटाई नहीं करते हैं? मैम कभी मारते ही नहीं है, कभी मारते नहीं है, गुस्सा नहीं आता सर, गुस्सा भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इन्हें, बहुत प्यार से रखते हैं। बदमाशी करते फिर भी? हाँ मैम, मैम बहुत प्यार से ट्रिक करती है। अगर कुछ भी हमसे गलती हो तो हमें सही यहाँ पे बताते, हमें सही चीज बताते। बच्चों का कहना है कि सर गुस्सा नहीं करते हैं, सर बहुत प्यार से इन लोगों को डील करते हैं, मतलब ये बदमाशी करते हैं फिर भी। सर आपका नाम? दीपक। तो नया साल कैसे शुरुआत करेंगे? वही हम लोग तो अभी नए साल में हम लोग ट्रेन में रहने वाले हैं, तो ट्रेन में हम लोग सेलिब्रेट करना पड़ेगा। मतलब आप लोग जा रहे हैं यहाँ से? जी हम जा रहे हैं। कितनी तारीख को? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं। अच्छा, आपने सोचा था कि नए साल के दिन आप ट्रेन में रहेंगे? ऐसा सोचा नहीं था, पर वो हमको क्या रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण हमको जाना ही पड़ रहा है अभी। अच्छा, तो सर किस तरह से, मतलब वहाँ पे पहुँचने के बाद सेलिब्रेट करेंगे? वहाँ पहुँचने के बाद सेलिब्रेट करेंगे। नए साल से सर उम्मीदें क्या है आपको? नए साल से उम्मीदें तो बहुत है, सब सारे लोग खुश रहे, कोरोना नहीं रहे, कोरोना का डर नहीं रहे हमको। लेकिन सर ये तो आ रहा है। आ रहा है नहीं, चली जाएगा ना, मोदी जी है ना, भगा देंगे सब। हम भगा देंगे उसको। भगा देंगे सर। चीन में आप देख रहे हैं अब तक का सबसे बहुत बुरी तरह से कोविड, इम्पैक्ट नहीं करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा नहीं। फिर सर अच्छा, आप लोग ट्रेन में रहेंगे? वैक्सीनेशन जो है ना बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है, तो मेरे को नहीं लगता कोरोना को इफेक्ट हमारे इसमें होगा करके, और हमारी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। इंडिया गेट पे देख रहे हैं आपको कहीं लग रहा है कोरोना है? यहाँ पे तो देख के बिल्कुल नहीं है, लेकिन सर अभी आने वाले दिन बताएंगे ना। तो सर मैम आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे? अभी ट्रेन में रहेंगी लेकिन फिर भी वहाँ पहुँचने के बाद कुछ? बस सबके लिए दुआ करेंगे। अच्छा, कोई पार्टी शादी? पार्टी शार्टी तो होती रहती है। होती रहती है वो तो वाकई। पार्टी शार्टी तो होगी, मेन हमारा सेलिब्रेशन दिल्ली में ही करने वाले हम लोग, घूमने वाले हैं, तो बिफोर न्यू ईयर हम सब सेलिब्रेट करने वाले। अच्छा, मतलब आपने कभी सोचा था कि आप न्यू ईयर के दिन ट्रेन में होंगी? नहीं 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 सोचा, टिकट नहीं मिला, नहीं नहीं हमने नहीं सोचा था कि आप लोग रैंडमली मिल जाएंगे और मैं इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नया साल आने में दो दिन बचा हुआ है, किस तरह से आप अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहेंगे? मैम वैसे तो न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे, हमारा जो पिछला साल गुजरा है थोड़ा अच्छा सा नहीं गुजरा है, क्योंकि कुछ पारिवारिक कारणों से थोड़ा हमें जो मतलब कई झटके लगे हैं, और वो ऐसे रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में दोबारा वो दोहराए जाएं। हमारी तरफ से वैसे यही कोशिश रहेगी कि पिछला साल जो जो भी घटनाएं घटी हैं वो उनको भुला सकें थोड़ा, और नए साल की अच्छे से शुरुआत करना चाहें। और नए साल की अच्छे से शुरुआत करना चाहेंगे, और जो हमारे साथी हैं उनको भी हम यही चाहेंगे कि वो भी अच्छे से शुरुआत करें। वैसे हम टीचर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, तो बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, कल ही डेट शीट आई है उनकी, 15 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ तो जो हुआ है चलो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बच्चे की लाइफ आगे अच्छे से वो अपना कुछ सर बिल्कुल अच्छी ही होगी सर। और उनकी बेहतरी के लिए हम अलग से प्लान लाए हैं, हालांकि सरकारी सिस्टम में हैं, उनके एक्स्ट्रा क्लासेज होंगे, उसके लिए थोड़ा अलग मेहनत करना चाह रहे हैं हम जी। तो देखा आपने, दिल्ली वाले ऐसे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, आप अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए जन भावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।